नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, हमने जो है मनोविज्ञान का पार्ट वन जो है परिचय में पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड के बारे में। तो पार्ट सेकंड में आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के विकास के बारे में और मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, उन शाखाओं से संबंधित जो है आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रीट सेकंड ग्रेड में भी इससे जो है एक आध बार क्वेश्चन आ भी चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो साथियों देखते हैं, यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान के विकास की यहाँ पर बात चल रही है। अमेरिका के विद्वान विलियम जेम्स की हम बात करेंगे, उसने इसको दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। मतलब अमेरिका के विद्वान विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से अलग जो है करते हुए आधुनिक मनोविज्ञान, कार्टर नहीं है यहाँ पर, करते हुए ध्यान रखना है, करते हुए प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो दर्शन शास्त्र से अलग करते हुए आधुनिक मनोविज्ञान की अवधारणा दी और आधुनिक मनोविज्ञान के लिए जनक भी कहलाए। इन्होंने अपना विचार दिया था कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। इस आधार पर मनोविज्ञान की विषय वस्तु को चेतना के विज्ञान की संज्ञा के रूप में जो है यहाँ पर दिया गया, जिसका समर्थन किया था विलियम बुंट ने, जेम्स सली ने, विलियम बाइव्स ने, टिचनर और चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने इसका जो है यहाँ पर समर्थन किया था। तो यहाँ पर जो है विलियम जेम्स की बात चल रही है। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से यहाँ पर अलग किया और आधुनिक मनोविज्ञान की अवधारणा यहाँ पर दी। उन्होंने जो है विलियम जेम्स ने कहा कि जो मनोविज्ञान है उसको चेतना के साथ जो है संबंध उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही यहाँ पर चेतना है। इस आधार पर जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु को चेतना के रूप में जो है यहाँ पर बताया, चेतना का विज्ञान उसको बताया। इस विलियम जेम्स का समर्थन विलियम वुंट के द्वारा किया गया, जेम्स अली के द्वारा किया गया, विलियम बाइव्स, टिचनर और चैडविक के द्वारा इसका जो है समर्थन यहाँ पर किया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर क्या होता है, 1879 ईस्वी में जो है जर्मनी के एक विद्वान थे विलियम बुंट। विलियम बुंट ने लिप्जिंग नामक स्थान पर एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की जो है यहाँ पर पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई, फर्स्ट लैब जो है वो कहां पर स्थापित की गई थी, जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है, उस कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में जो है ये स्थापित की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से जो है कई बार जो है क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि फर्स्ट लैब जो है मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थापित की गई। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है लिप्जिंग नामक स्थान पर जर्मनी में जो है स्थापित की गई थी। लिप्जिंग नामक स्थान जो है वहां पर एक कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है, उस कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में जो है लिप्जिंग नामक स्थान पर ये मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई। ये आपको ध्यान रखना है, कब स्थापित की गई थी, 1879 में। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कई बार जर्मनी में, ध्यान रखना है 1879 ध्यान रखना है, और विलियम बुंट ने जो है ये स्थापित की थी, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहां से जो है आपसे क्वेश्चन जो है ये पूछे जा सकते हैं। आगे यहां पर हम देखते हैं साथियों, देखिए आगे यहां पर देखते हैं हम चेतना का अभिप्राय समाप्त करने के लिए जो है आप देखोगे चेतना का अभिप्राय समाप्त होने के क्या क्या कारण है। मतलब मनोविज्ञान को जो है चेतना से संबंध जो मनोविज्ञान का बताया विलियम यहाँ पर वुंट के द्वारा या फिर विलियम जेम्स के द्वारा जो मनोविज्ञान का चेतना से यहाँ पर संबंध बताया गया, उस संबंध के बारे में जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। उसको बाद में चेतना का जो है साथ जोड़ना बंद कर दिया गया मनोविज्ञान को। फ्रायड ने जो है 1900 ईस्वी में, यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं, एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है मनोविश्लेषण सिद्धांत। ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, 1900 ईस्वी में दिया गया था। ये पूछा जाता है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया, 1900 ईस्वी में दिया गया, और इसका नाम था मनोविश्लेषण सिद्धांत, जिसमें चेतना के तीन रूप बताए गए। चेतना के कितने रूप बताए गए, चेतना के यहाँ पर जो है तीन रूप यहाँ पर फ्रायड के द्वारा बताए गए। उसके बाद यहाँ पर जो है इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने जो है अपनी पुस्तक द आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना को एक बुरा शब्द यहाँ पर बताया। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर चेतना को बुरा शब्द किसने बताया था, चेतना को बुरा शब्द जो है विलियम मैकडूगल ने यहाँ पर बताया था अपनी पुस्तक द आउटलाइन साइकोलॉजी में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि
यहाँ पर चेतना को एक बुरा शब्द किसके द्वारा बताया गया? विलियम मैकडूगल के द्वारा बताया गया था। कौन सी पुस्तक में बताया गया? द आउटलाइन साइकोलॉजी नामक इसने पुस्तक लिखी थी, उसमें चेतना शब्द को जो है एक बुरा शब्द यहाँ पर जो है बताया गया। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आत्मा के साथ जोड़ा गया था मनोविज्ञान को, उसके बाद मन के साथ बताया गया था, उसके बाद फिर चेतना के साथ मनोविज्ञान का संबंध बताया गया, और इसके बाद में जो है वर्तमान में जो है व्यवहार के साथ मनोविज्ञान को मानते हैं, व्यवहार के साथ जो है मनोविज्ञान का संबंध जो है मानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। विलियम मैकडूगल ने क्या कहा था कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूं कि लोग इसे चेतना के रूप में यहां पर परिभाषित करते हैं। मतलब विलियम मैकडूगल ने चेतना को एक बुरा शब्द बताया था। उसने कहा कि मैं मनोविज्ञान का एक जो है यह दुर्भाग्य मानता हूं कि इसका संबंध चेतना से है, तो चेतना के साथ संबंध को इसने जो है एक बुरा शब्द जो है यहां पर बताया। आगे देखते हैं साथियों, अब वर्तमान में मैं बात करूंगा। यहां पर वर्तमान में जो है मनोविज्ञान को चेतना के साथ ना जोड़ करके व्यवहार के साथ इसका संबंध बताया जाता है। तो वर्तमान में हम बात करें व्यवहार का अध्ययन। सबसे पहले व्यवहार का अध्ययन वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, हल, मन, क्रो एंड क्रो, बोरिंग, वेल्ड, पावलोव, स्किनर, हॉलैंड आदि ने किया था। देखिए इनमें भी सबसे पहले जेबी वाटसन ने किया था, यह आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है जेबी वाटसन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। व्यवहार एकमात्र मानव की एक ऐसी विशेषता है जो सदैव सकारात्मक होती है। तो यहां पर ध्यान रखना है, व्यवहार के साथ किसने बताया था संबंध? जेबी वाटसन ने बताया था। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ये पूछी जाती है। तो मनोविज्ञान का संबंध जो है व्यवहार के साथ है, ये किसने बताया? जेबी वाटसन ने। तो सबसे पहले जेबी वाटसन ने बताया था, उसके बाद जो है वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, हल, मन, क्रो एंड क्रो, बोरिंग, वेल्ड, पावलोव, हॉलैंड, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने बताया। जेबी वाटसन ने व्यवहार को एक मानव की एक ऐसी विशेषता बताया जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब जो व्यवहार होता है मनुष्य का वो हमेशा सकारात्मक होता है। ये बात जो है यहाँ पर जेबी वाटसन के द्वारा बताई गई है। उसके बाद आप यहां पर देखोगे 20वीं सदी के जो है प्रारंभ में जेबी वाटसन ने जो है यहां पर मनोविज्ञान की विषय वस्तु को व्यवहार का एक धनात्मक मतलब सकारात्मक विज्ञान कहा। इसलिए व्यवहारवाद का जनक हम किसे कहते हैं? व्यवहारवाद का जनक जेबी वाटसन को कहा जाता है। ये साथियों काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान का वर्तमान में संबंध किससे है? व्यवहार से है, ये पूछा जाता है। और व्यवहारवाद का जनक कौन है? ये व्यवहारवाद का जनक है जेबी वाटसन। जेबी वाटसन ने व्यवहार के साथ जो है इस मनोविज्ञान का संबंध सबसे पहले 20वीं शताब्दी में कब बताया था? वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है? वर्तमान में 21वीं शताब्दी चल रही है। तो जो है 21वीं शताब्दी में भी वर्तमान में भी व्यवहार के साथ मनोविज्ञान का संबंध हम मानते हैं। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही जो है जेबी वाटसन ने जो है मनोविज्ञान का संबंध जो है व्यवहार के साथ यहाँ पर बता दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 20वीं सदी में मनोविज्ञान का संबंध किससे था? 20वीं सदी से जो है मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से था। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि वाटसन ने ही कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, चाहे इंजीनियर बना सकता हूं, चाहूं तो डॉक्टर बना सकता हूं, चाहूं तो उसे वकील, चोर, डाकू, कुछ भी बना सकता हूं। तो यहां पर जेबी वाटसन ने क्या कहा था कि मुझे एक बालक आप दीजिए, मैं उसको जो चाहे बना सकता हूं। मतलब बालक जो है उसका व्यवहार जो है उसी को उसके अकॉर्डिंग जो उसको बनाना है, जैसे डॉक्टर बनाना है तो उस बच्चे को जो है बचपन से ही उस प्रकार का माहौल देगा जिससे कि वो भविष्य में जाकर के डॉक्टर बने। तो यहां पर जो है जेबी वाटसन ने कहा कि ये व्यवहार ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा मनुष्य को कुछ भी बनाया जा सकता है। तो जेबी वाटसन का संबंध सीधा सीधा यहां पर किससे है? व्यवहार से है। तो यहां पर ये वाक्य जो है कई बार पूछा जा चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वाटसन का यह कथन आपको ध्यान रखना है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे चाहे कुछ भी बना सकता हूं, चाहूं तो डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, चोर, डाकू, कुछ भी उसको मैं बना सकता हूं। तो ये कथन आपको ध्यान रखना है, किसका कथन है? जेबी वाटसन का ये कथन था। जेबी वाटसन को जो है 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक भी हम कह देते हैं, क्योंकि 20वीं शताब्दी में जेबी वाटसन ने ही मनोविज्ञान का संबंध किससे बताया था? व्यवहार से बताया था। इसलिए 20वीं सदी का सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक जो है जेबी वाटसन को माना जाता है। ये भी पूछा जा चुका है कि मनोविज्ञान का जो है 20वीं सदी में कौन सा जो है मनोवैज्ञानिक था जिसे जो है व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, जेबी वाटसन।
अब आगे यहां पर देखते हैं साथियों, अब यहां पर हम देखेंगे साथियों, अब यहां पर हम बात करेंगे वुडवर्थ की परिभाषा। तो वुडवर्थ ने क्या कहा तो मैं आपको बता देता हूं। मनोविज्ञान ने सबसे पहले जो है अपनी आत्मा का, फिर मन का और फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में अब जो है व्यवहार के स्वरूप को ये मानती है। तो मैंने आपको ये वुडवर्थ की अर्थयात्रा परिभाषा पहले भी बताई थी कि वुडवर्थ ने बताया था कि मनोविज्ञान में सबसे पहले जो है मनोविज्ञान का संबंध जो है आत्मा से रहा है, उसके बाद फिर मन से रहा है, उसके बाद फिर चेतना से, और वर्तमान में जो है व्यवहार के साथ मनोविज्ञान का संबंध है। तो व्यवहार के साथ मनोविज्ञान का संबंध जेबी वाटसन ने 20वीं शताब्दी में बताया था। तो ये आपको वुडवर्थ की जो है अर्थयात्रा परिभाषा भी आपको ये यहाँ पर याद रखनी होगी। अब यहां पर देखते हैं मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो जो है वाटसन ने क्या बताया था मनोविज्ञान के बारे में, तो वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो वाटसन के अनुसार जो है मनोविज्ञान जो है व्यवहार का क्या है, धनात्मक विज्ञान है। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है, एक धनात्मक विज्ञान जो है ये मानी जाती है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान जो है यहां पर सामाजिक वातावरण में, मनोविज्ञान जो है सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। तो सामाजिक वातावरण के साथ, समाज का जो है, समाज के साथ मानव का जो संबंध है उसी को जो है मनोविज्ञान जो है यहां पर बताया गया। अब आगे हम देखते हैं मैकडूगल ने जो है यहां पर क्या बताया। तो मैकडूगल के अनुसार भी हम देख लेते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा। मैकडूगल क्या कहता है कि मनोविज्ञान जो है आचरण और व्यवहार का एक यथार्थ मतलब वास्तविक विज्ञान, यथार्थ शब्द का मतलब होता है वास्तविक। मनोविज्ञान जो है आचरण और व्यवहार का एक यथार्थ विज्ञान किसने बताया था, मैकडूगल ने। बोरिंग ने क्या बताया कि मनोविज्ञान जो है मानव प्रकृति का विज्ञान है, मानव प्रकृति का विज्ञान किसने बताया, बोरिंग ने बताया। सामाजिक विषय के अनुसार, सामाजिक विज्ञान के अनुसार जीवित प्राणियों का वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार, मतलब हम जीवित प्राणियों का जब वातावरण के साथ जो है संबंध देखते हैं तो सामाजिक विज्ञान में आपने पढ़ा भी होगा मानव का सामाजिक विषय के साथ, मानव का समाज के साथ या फिर जो है वातावरण के साथ होने वाला जो संबंध है, व्यवहार है, उसे ही क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान यहाँ पर कहा जाता है। क्रो एंड क्रो ने क्या बताया था कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और उसके संबंधों का जो है आपसी संबंध है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव व्यवहार और संबंधों का क्या है अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान यहाँ पर कहलाता है। तो साथियों ये डेफिनेशन जो है यहाँ से जो है जेबी वाटसन की पूछी जा सकती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ साइकोलॉजी में आप जितनी भी परिभाषाएं देखोगे इस प्रकार की परिभाषाएं एग्जाम में कम पूछी जाती है। एक आध कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वरना एक भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बताऊं आप उस पर यदि फोकस कर लोगे तो आप 100% जो है साइकोलॉजी में जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कुछ परिभाषाएं हैं, याद रह जाए तो अच्छा है, लेकिन जेबी वाटसन की आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जो है सामाजिक वातावरण में जो धनात्मक संबंध बताया व्यवहार के साथ, व्यवहार का जो धनात्मक संबंध बताया गया वो किसने बताया था, जेबी वाटसन ने। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हम पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान की शाखाओं को वर्तमान में यहाँ पर जो है विशालकाय वट वृक्ष की भांति जो है इतना बड़ा विषय है मनोविज्ञान कि संपूर्ण स्वरूप को समझने के लिए हमें जो है इसके अलग अलग ब्रांचेस को समझना होगा। मनोविज्ञान की वर्तमान में बहुत सारी शाखाएं बनी हुई है, जैसे कि बच्चों से रिलेटेड जो है उसे बाल मनोविज्ञान, सामान्य परिस्थितियों से संबंधित सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य जब हम कंडीशनों के बारे में पता लगाएंगे जानेंगे तो उसे हम असामान्य मनोविज्ञान, मतलब बहुत सारी ब्रांचेज में मनोविज्ञान वर्तमान में बटी हुई है। तो इसको हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ बाल मनोविज्ञान के बारे में कि बाल मनोविज्ञान यहाँ पर है क्या। अब यहाँ पर हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान क्या है। देखिए बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह ब्रांच है, वह शाखा है जो बालक के प्रारंभिक विकास एवं व्यवहार से संबंधित अध्ययन करती है। मतलब बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है बचपन से लेकर अब तक, और जो है व्यवहार से संबंधित जो अध्ययन करती है बच्चे के प्रारंभिक विकास से जन्म से लेकर मृत्यु तक जो विकास होता है वो, और उसके व्यवहार बिहेवियर से रिलेटेड जो उसका जो संबंध है उसके बारे में हमको ये बाल मनोविज्ञान बताती है। तो बाल शब्द से आपको पकड़ लेना है, बाल मनोविज्ञान मतलब बालक के विकास से संबंधित मनोविज्ञान क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य परिस्थितियों में
होने वाले व्यवहार का, सामान्य परिस्थितियों में जो व्यवहार करता है मनुष्य उसको सामान्य मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं। असामान्य मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, जब एक व्यक्ति सामान्य नहीं रहता है तथा असामान्य, पागल, मनोरोगिया, असामाजिक जैसा व्यवहार करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असामान्य मनोविज्ञान। जब एक व्यक्ति का व्यवहार जो बदल जाता है, पागलों जैसा हो जाता है, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो मनोरोगी हो जाते हैं उन जैसा व्यवहार हो जाता है, या फिर समाज के लायक उनका व्यवहार नहीं रहता है, असामाजिक हो जाता है और असामान्य उनका व्यवहार हो जाता है, सामान्य से जो है बेकार उनका यदि व्यवहार हो गया तो उसे हम असामान्य मनोविज्ञान में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये मनोविज्ञान के हम ब्रांचेज यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चौथा यहाँ पर मनोविज्ञान है, चौथा यहाँ पर है समाज मनोविज्ञान। इसमें हम सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन जो है करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर समाज मनोविज्ञान, मतलब सामाजिक परिस्थितियां जो है उन सामाजिक परिस्थितियों में जो मनुष्य का जो व्यवहार है उसका अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। अगला है यहाँ पर मानव मनोविज्ञान। तो यहाँ पर मानव से आपको पकड़ लेना है, मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन। तो मानव व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है, मानवीय दृष्टिकोण से आपको जो है मानव व्यवहार का अध्ययन यहाँ पर करना है, तो उसे हम मानव मनोविज्ञान जो है कहते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर जो है मनोविज्ञान की ब्रांच है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें जो है मनोविज्ञान की एक वह शाखा होती है जो बालक के शैक्षिक परिवर्तनों से संबंधित होती है तथा शिक्षण अधिगम के व्यवहार को यहाँ पर वो दर्शाती है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान मतलब बालक के शैक्षिक परिवर्तनों से संबंधित जो मनोविज्ञान है, शिक्षण अधिगम से संबंधित जो मनोविज्ञान है उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पर कहेंगे। अगली ब्रांच है यहाँ पर किशोर मनोविज्ञान। देखिए किशोर मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, किशोर मनोविज्ञान में किशोर अवस्था जिसे हम इंग्लिश में टीनेज बोलते हैं उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं और जो है व्यवहार का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। तो किशोर मनोविज्ञान में किशोर अवस्था के बारे में और किशोर अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जब बच्चा किशोर हो जाता है, जब बालक किशोर हो जाता है तो उस अवस्था में उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो इनके बारे में हम अध्ययन जो है इस किशोर मनोविज्ञान में करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो है ब्रांचेज हैं मनोविज्ञान की, उनके बारे में अध्ययन हम करते हैं। तो नेक्स्ट जो ब्रांच है उसके बारे में आपको बता देता हूं यहाँ पर। नेक्स्ट ब्रांच है प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ मनोविज्ञान में हम जो है, प्रौढ़ का मतलब होता है जब व्यक्ति जो है किशोर अवस्था के बाद जो अवस्था आती है उसे हम प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। तो किशोर अवस्था के बाद एक व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है, जहां उसका कार्य व्यवहार बदल जाएगा, मतलब सोच बदल जाएगी, नजरिया बदल जाएगा और मानवीय मूल्य जो है उसके बदल जाते हैं और उनमें विशेष प्रकार का व्यवहार जो है देखा जाता है। तो इस प्रकार का अध्ययन जो है यहाँ पर क्या क्या होता है प्रौढ़ मनोविज्ञान में किया जाता है। तो प्रौढ़ मनोविज्ञान में प्रौढ़ अवस्था के जो व्यवहार है मनुष्य के, सोच, नजरिया, मानव मूल्य, इनका अध्ययन हम प्रौढ़ मनोविज्ञान में करते हैं। अगली है यहाँ पर अपराध मनोविज्ञान। अपराध से यहाँ पर आपको पकड़ लेना है अपराध शब्द, तो अपराध से पता चल जाएगा एक अपराधी के व्यवहार को समझने वाली तथा उस तक पहुंचना एवं उसे सही दिशा दे करके अपराध की दुनिया से उसको सामान्य बनाने का प्रयास जो है अपराध मनोविज्ञान में किया जाता है। जैसे कि कोई मान लो डकैत वगैरह जो होते हैं उसको सही दिशा में लाने के लिए जो है जो अध्ययन करते हैं वो अपराध मनोविज्ञान में करते हैं, मतलब अपराध की दिशा से उसको हटा करके एक सही दिशा में ले जाने वाला जो मनोविज्ञान की शाखा है उसे हम अपराध मनोविज्ञान यहाँ पर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली है यहाँ पर औद्योगिक मनोविज्ञान। यहाँ पर आपको देख लेना है औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कोई उद्योग जो है उसके उद्योग के मालिक की हम बात कर रहे हैं, किसी उद्योग के उद्योग मालिक के व्यवहार की हम बात करेंगे। तो उद्योग मालिक का व्यवहार जो है अपने कर्मचारियों के साथ किस प्रकार का है, जो कि उसकी उद्योग की प्रगति के लिए जरूरी है, मतलब उद्योग को अच्छी तरह जो है प्रगति करवानी है, तो यहाँ पर उद्योग के मालिक का व्यवहार जो है अपने कर्मचारियों के साथ जो है किस प्रकार का होता है, इस शाखा में जो है हम जो है इस प्रकार का अध्ययन करते हैं। तो ये औद्योगिक मनोविज्ञान आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर मनोविज्ञान की जो शाखा है वो हम देखते हैं वैयक्तिक मनोविज्ञान। तो वैयक्तिक मनोविज्ञान की यहां पर मैं बात करूंगा। व्यक्तिक मनोविज्ञान जो है इसमें हम
व्यक्ति व्यक्ति में जो विशेषताएं पाई जाती हैं या विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं उनका अध्ययन हम व्यक्तिक मनोविज्ञान में करते हैं। व्यक्तिक का मतलब होता है व्यक्ति से रिलेटेड, व्यक्ति व्यक्ति मतलब अलग अलग व्यक्तियों से रिलेटेड, तो अलग अलग व्यक्तियों से रिलेटेड जो भिन्नताएं डिफरेंस पाए जाते हैं उनका अध्ययन हम जो है व्यक्तिक मनोविज्ञान में जो है करते हैं। अगली है यहाँ पर पशु मनोविज्ञान। देखिए साथियों, पशु में मनोविज्ञान की मैं यहाँ पर बात करूं तो पशु मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जहां पशुओं के व्यवहार के बारे में हम अध्ययन करते हैं, मतलब पशुओं के व्यवहार को समझने की जो हम समझने का जो हम प्रयास करते हैं उसका अध्ययन हम जो है पशु मनोविज्ञान में करते हैं। तो नाम से पता चल रहा है पशु मनोविज्ञान, इसका मतलब पशुओं के व्यवहार के बारे में हम जो है यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। अगली मनोविज्ञान की यहाँ पर शाखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब तक की शाखाएं जितनी भी हमने पढ़ी है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर परामनोविज्ञान जो है होती है। परामनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है अपने घर है और उसको अचानक जो है कोई उसके जो है मस्तिष्क में कोई विचार आ जाए, या फिर कोई व्यक्ति सोया हुआ है अचानक जो है उसके दिमाग में एक जो है स्वप्न आ जाए और उस स्वप्न में कोई बुरी किसी दुर्घटना के बारे में बताया जा रहा है और दुर्घटना के बारे में उसको आभास होता है, तो इस प्रकार का जो मनोविज्ञान है उसे हम कहते हैं परामनोविज्ञान। मतलब किसी दुर्घटना के बारे में पहले ही पता चल जाना व्यक्ति को, घटना दुर्घटना व्यवहार का पूर्ण आभास हो जाना तथा अन्य प्रकार के पारलौकिक व्यवहार। पारलौकिक का मतलब होता है इस लोक से परे, पारलौकिक का अध्ययन हम जो है परामनोविज्ञान में करते हैं। किसी घटना से दुर्घटना से और एवं व्यवहार का पूर्ण आभास होना और अन्य प्रकार के पारलौकिक व्यवहारों का अध्ययन हम जो है परामनोविज्ञान में करते हैं। तो परा शब्द से यहाँ पर ध्यान रखना है, पूछा जाता है कई बार किसी चीज को हमको पहले ही आभास हो जाता है तो उसे हम परामनोविज्ञान में जो है यहाँ पर पढ़ते हैं। तो साथियों ये यहाँ पर जो है आपकी आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त हम करेंगे। नेक्स्ट डे आपको जो है मनोविज्ञान की जो ब्रांचेज है उनके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। मनोविज्ञान की ब्रांचेज तो पढ़ लिया है लेकिन मनोविज्ञान के संप्रदाय अभी भी जो है बचे हुए हैं, तो मनोविज्ञान के संप्रदाय जो है नेक्स्ट क्लास में जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज जो है आपको जो पढ़ाया है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जेवी वाटसन का कथन। जेवी वाटसन ने 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद के बारे में बताया, व्यवहारवाद का जनक जो है जेवी वाटसन को कहा जाता है। मनोविज्ञान की शाखाएं मैंने आपको पढ़ाई, कुछ मनोविज्ञान से रिलेटेड परिभाषाएं आपको बताई। मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है परा मनोविज्ञान, ये यहाँ से पूछा जाता है कि किसी घटना दुर्घटना या फिर मानव व्यवहार का हमको पूर्ण आभास जो है पहले ही हो जाता है तो उसका अध्ययन हम किस मनोविज्ञान की शाखा में करते हैं, परा मनोविज्ञान में यहाँ पर करते हैं। तो ये यहाँ पर जो है आपकी मनोविज्ञान की शाखाएं मैंने आपको जो बताई है उनसे क्वेश्चन जो है एक आध बार पूछ लिया भी गया है, तो आपको ध्यान रखना है, मैं सबसे आपको पकड़ लेना है। जैसे पशु मनोविज्ञान तो पशु सबसे आपको पकड़ लेना है, तो पशुओं के व्यवहार को समझने के लिए हम जो प्रयास करेंगे वो पशु मनोविज्ञान में यहाँ पर करते हैं। जैसे बाल मनोविज्ञान आ गया तो बाल शब्द आपको पकड़ लेना है, बाल से ही आपको पता चल जाएगा, बालक के प्रारंभिक विकास के बारे में हम जहाँ पर अध्ययन करते हैं वो जो है बाल मनोविज्ञान यहाँ पर कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान आ जाए तो शिक्षा शब्द को आपको पकड़ लेना है, उससे आपको पता लग जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक परिवर्तनों या शिक्षण अधिगम से संबंधित जो बातें हैं उनके बारे में हम अध्ययन जो करते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान में यहाँ पर करते हैं। सामान्य मनोविज्ञान मतलब सामान्य परिस्थितियों के बारे में जब हम जो है अध्ययन करते हैं मानव व्यवहार से रिलेटेड तो उसे हम जो है सामान्य मनोविज्ञान यहाँ पर कहते हैं। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से जो है एक आध क्वेश्चन कभी जब पूछ भी लिया जाता है लेकिन जो मेन टॉपिक आएंगे वहां से मैं आपको बता दूंगा, वहां से 100% क्वेश्चन आते हैं। तो आपको आज के लिए जो है इतना ही आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखना है। तो साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगामी वीडियोज को जो है देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो है इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।